हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नेक्स्ट आते हैं एलसीडी। एलसीडी आप लोग देखे होंगे, कुछ इस तरह का रहता है एलसीडी, कुछ ऐसा रहता है एलसीडी। एलसीडी में क्या रहता है, एलसीडी का नाम सुन के ही पता चल रहा है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड मतलब एक इसमें लिक्विड डाला हुआ रहता है, क्रिस्टल एक कचकड़ा रहता है जिसको हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं, कांच और प्लास्टिक को मिक्स करके बनाया जाता है। और डिस्प्ले मीन्स जो हमारा डिस्प्ले आ रहा हो, ये एक एलसीडी ही है। एलसीडी में और कोई ऐसा बड़ा चीज नहीं रहता है, एलसीडी में जस्ट आपको एक मशीन रहता है और इसमें एक चार ट्यूब भी रहता है, ये हमेशा जानना जरूरी है। वो भी ट्यूब के बारे में बता देते हैं, एक दो तीन और एक चार। ये चारों ट्यूब क्या करता है, हमारा स्क्रीन को बैकलाइट देता है, इसमें लाइट देता है और इसमें जो केमिकल है उसको हिट करता है। ये चीज चारों ट्यूब काम करता है, चार ट्यूब रहता है, जितने भी एलसीडी है सब में चार ट्यूब ही रहता है। इसका पावर कंजम्पशन है, इसका वोल्टेज जो जाता है 12 वोल्ट से लेकर 17-18 वोल्ट तक जाता है और पावर कंजम्पशन इसका रहता है 20 वाट से लेके अप टू जाता है 150 से 200 वाट। क्योंकि आपका 52 इंची 50 इंची का अगर एलसीडी है तो आपका 250-200 वाट ले लेता है। और इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ सामान नहीं है। एक चीज़ और इसमें है आरजीबी, जो कि सीआरटी मॉनिटर में भी होता है। और जितना भी डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होता है, उसमें 3 कलर ही माना जाता है, आरजीबी, रेड, ग्रीन, ब्लू, और उससे मिलके 256 कलर ये बनता है। हमेशा ये ध्यान रखना है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डिस्प्ले के काम आता हो, जैसे आपका फ़ोन हुआ, आपका मॉनिटर हुआ, आपका टीवी हुआ, आपका छोटा फोन हुआ, या फिर अलग अलग तरह का जो भी मशीन में डिस्प्ले लगा हुआ है, वो सभी कुछ आरजीबी पर चलता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, और उससे 256 कलर बनता है। इसमें आपको पता चल गया कितना वाटेज होता है एलसीडी के बारे में। नेक्स्ट आते हैं एलईडी, लाइट इमेथिन डायोड। एलईडी स्लिम रहता है, पतला रहता है बहुत, और उसमें छोटा छोटा डायोड एलईडी लगा हुआ रहता है, लाइट इमेथिन डायोड। ये आप लोग देखे होंगे, आजकल हम लोग पूरे हर कहीं भी हम लोग बैठे भी रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, वहां पर एलईडी का जिक्र होता है, क्योंकि हम लोग एलईडी से घिरे हुए हैं। कहीं ना कहीं मेरे लैपटॉप में या कहीं ना कहीं एलईडी लगा ही हुआ, जो लाइट जल रहा है, जो डिस्प्ले हो रहा है, सब में एलईडी है। तो एलईडी बहुत दिन तक चलता है और उसमें एक फिक्स वोल्टेज दिया जाता है, ये 5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक चलता है। इनपुट आप 220 वोल्ट कराते हैं एडाप्टर के द्वारा, उसमें से 5 वोल्ट या 12 वोल्ट निकलता है, जिसको जैसा जरूरत, जैसे बड़ा अगर स्क्रीन है तो 12 वोल्ट का जरूरत पड़ता है, छोटा स्क्रीन है तो 5 वोल्ट का जरूरत पड़ता है, जिसके हिसाब से सेट किया जाता है। इसका पावर कंजम्पशन भी बहुत कम है, 5 वाट से लेके अप टू 100 वाट तक जाता है, और ये बहुत ही अच्छा इसका डिस्प्ले क्वालिटी होता है। क्योंकि इसमें बहुत छोटा छोटा पिक्सल रहता है, पिक्सल मीन्स छोटा छोटा एलईडी रहता है, और जितना एलईडी ज्यादा रहेगा उतना पिक्चर क्लियरिटी अच्छा आएगा, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है। इसीलिए बोला जाता है कि एलईडी टीवी खरीदें, एलईडी मॉनिटर खरीदें, ये थोड़ा कॉस्टली तो आता है लेकिन आपके बहुत दिन तक चलता भी है और क्वालिटी भी आपको एलसीडी और सीआरटी के मुकाबले 10 गुना बेटर देता है एलईडी। एलईडी और में और कुछ भी नहीं है, एलईडी में भी एक सर्किट रहता है और एक प्रोसेसर रहता है, उसमें भी छोटा सा प्रोसेसर रहता है। अब आते हैं हम लोग प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर 3 तरह का होता है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। पहला देखते हैं इंकजेट प्रिंटर। आप लोग नाम सुन के ही पता चल रहा है, इंकजेट मतलब इंक इसमें डाला जाता है, जिसमें 4 कलर रहता है, CMYK, क्यान, मेजेंटा, येल्लो, ब्लैक। ब्लैक को हम लोग K से बोलते हैं क्योंकि B से ब्लू होता है, इसलिए इसमें 4 कलर मिलके ये भी 256 कलर बनाता है। जितना भी प्रिंटेबल डिवाइस है आउटपुट डिवाइस में, सब CMYK पर ही प्रिंट करता है, क्यान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक पर वो प्रिंट करता है। अब आते हैं इंकजेट प्रिंटर के बारे में, इंकजेट प्रिंटर काम कैसे करता है। इंकजेट प्रिंटर इंक के द्वारा वो प्रिंट करता है, इंक उसमें डाला जाता है और वो प्रोसेसर के द्वारा, आपको प्रोसेसर रहता है, 2-3 मोटर रहता है और बहुत सारा मशीन रहता है, उसके बारे में बताया जाएगा, खोल के दिखाया भी जाएगा आपको। ये सिंपली समझना है, ये प्रिंटर जो है
ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। नेक्स्ट आते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये भी आप लोग देखे होंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये इतना बड़ा भी रहता है और इतना छोटा भी रहता है। आप लोग सभी को देखे हैं रेलवे स्टेशन पर, गैस बुकिंग में, यहाँ पर शॉपिंग मॉल में, या फिर देखिएगा इतना छोटा छोटा मशीन भी आता है जिससे हम लोग कार्ड स्वाइप करते हैं, वो भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर उसमें होता है। वो उसमें रहता क्या क्या, उसमें एक कार्बन लगा, जैसे हम लोग इससे पहले देखे थे कि इंक था, इसमें कार्बन लगा हुआ था, कार्बन पेपर लगा हुआ रहता रोल करके, और उससे होता क्या, जैसे हम लोग ए टाइप किए तो वहाँ ए टाइप हो जाता है, लेकिन ये जो प्रिंट करता है ये डॉट 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 करके प्रिंट करता है। हमारा जो इंकजेट प्रिंटर है वो भी डॉट करके प्रिंट करता है, लेकिन वो बहुत महीन डॉट देता है जिससे आपको पता नहीं चलता है कि वो डॉट से प्रिंट किया है। और ये देखिएगा आप लोग जो स्टेशन का जो टिकट रहता है उसमें डॉट 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 सिर्फ लिखा हुआ आपको समझना चाहिए, इससे फोटो प्रिंट नहीं होता है, फोटो प्रिंट होता है इंकजेट प्रिंटर से। फोटो प्रिंट अगर आप इससे करते हैं तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये तो डॉट डॉट करके प्रिंट कर रहा है। इसका कॉस्ट जो है वो बहुत कम आता है। नेक्स्ट आते हैं ये सब जो प्रिंटर है सब 220 वोल्ट पर चलता है और ज्यादा पावर कंजम्पशन नहीं लेता है, 30 वाट 40 वाट का रहता है ये सब। नेक्स्ट आते हैं लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर आप लोग सबको ही देखेंगे, या जेरोक्स मशीन भी बोलते हैं इसको, आप लोग जेरोक्स मशीन देखेंगे, छोटा भी है बड़ा भी रहता है, छोटा पता नहीं आप लोग देखेंगे कि नहीं, बड़ा बड़ा देखें छोटा भी रहता है। ये लेजर पर काम करता है, लेजर मीन्स इसमें एक तरह का रे निकलता है, और देखिएगा आप लोग जब प्रिंट होके जब आपका प्रिंटर से लेजर प्रिंटर से जब प्रिंट होता है देखिएगा वो पेपर गर्म रहता है। वो गर्म इसलिए रहता है, इसमें एक टोनर रहता है और टोनर में एक पाउडर रहता है, वो पाउडर के द्वारा ही इसको प्रिंट किया जाता है। अब वो समझते कैसे प्रिंट होता है। सपोज कि आपका ए टाइप करना है तो ए वहां लिखा गया, लिखने के बाद अब उसमें गर्म हवा भेजा जाता है जिससे कि आपका जो पाउडर है और जो पेपर है उसमें जाके वो चिपक जाए। इसीलिए आपका जो प्रिंट होके जो निकलता है लेजर प्रिंटर से वो हीट रहता है, बस यही कारण है। देखिएगा आप लोग सुनते होंगे जब जाते हैं प्रिंट जेरॉक्स कराने के लिए तो सुबह में जब जाते होंगे तो जो वहाँ का जो स्टाफ है वो बोलेंगे क्या कि थोड़ा देर रुक जाइए, थोड़ा हीट होने दीजिए मशीन को। क्यों हीट होने देते हैं, क्योंकि उसमें एक हीटर लगा हुआ है, वो हीट होगा तो ही अच्छा वो प्रिंट करके देगा, और वो टोनर को भी हीट करता है। इसमें एक फैन भी लगा हुआ रहता है जो कि आपका जो लेजर प्रिंटर है उसका जो हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर निकाले। इसका कलर प्रिंटर भी आता है, अधिकतर तो आप लोग जेरॉक्स मशीन ब्लैक एंड व्हाइट ही देखे होंगे, लेकिन इसका कलर प्रिंटर भी आता है, वो भी चार कलर का आता है, CMYK, कैन मेजेंटा येलो ब्लैक। नेक्स्ट आते हैं स्पीकर। स्पीकर एंटरटेनमेंट के लिए या फिर कंप्यूटर का कुछ एरर वगैरह को जानने के लिए समझने के लिए स्पीकर को यूज किया जाता है। मेनली कंप्यूटर में नहीं होता है, लैपटॉप वगैरह में छोटा स्पीकर लगाया जाता है, 2 से 4 वाट का रहता है, इतना छोटा छोटा स्पीकर रहता है। नेक्स्ट आते हैं प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है और ये छोटा स्क्रीन को बड़ा स्क्रीन में दिखाने का काम करता है। प्रोजेक्टर में कुछ कुछ चीज इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हम लोग जानते हैं सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस रहता है, एक जूम लेंस रहता है, एक RGB बल्ब रहता है, RGB बल्ब मीन्स रेड ग्रीन ब्लू, और एक सर्किट रहता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एक फैन रहता है और एक LCD स्क्रीन रहता है। अब आते हैं इसमें ये काम कैसे करता है। सबसे पहले RGB जो बल्ब रहता है, जो RGB बल्ब रहता है वो उसको पहले नापते कैसे, उसको कैसे समझें कि हाँ क्वालिटी इसका अच्छा है इसका खराब है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग को जानना है लुमिनस। लुमिनस क्या होता है, लुमिनस हम लोग देखिएगा कि कोई भी लाइट का एक ब्राइटनेस का, ब्राइटनेस को हम लोग लुमिनस बोलते हैं, कितना ज़्यादा वो लाइट कर रहा है। 1 वाट इक्वल टू होता है 100 लुमिनस। हम लोग देखे भी होंगे जैसे 9 वाट का बल्ब रहता है तो 900 लुमिनस लिखा हुआ रहता है, ये 900 लुमिनस मीन्स 9 वाट का है। अगर आपका 15 वाट का है तो 1500 लुमिनस का है। वैसे ही हर प्रोजेक्टर में सबका लुमिनस लिखा होता है, कोई 2000 लुमिनस, कोई 1500 लुमिनस, कोई 800 लुमिनस, कोई 6000 लुमिनस का भी रहता है, जैसे हम लोग सिनेमा हॉल में 6000 8000 लुमिनस का रहता है, क्योंकि उसको बड़ा स्क्रीन भी चाहिए और बड़ा ज़्यादा ब्राइटनेस भी चाहिए। अब आते हैं कि इसको फ्लैट सरफेस पर देखा जाता है और ये काम कैसे करता है। एक RGB बल्ब है, उसके पास एक लगा हुआ रहता है LCD, छोटा सा
तीन इंच का एलसीडी लग रहता है और एलसीडी ऑपोजिट चलता है। ऑपोजिट मींस जैसे हम लोग सेल्फी लेते हैं और पीछे बैकग्राउंड में कुछ लिखा हुआ है तो वो भी उल्टा दिखने लगता है, बस वैसा ही एलसीडी स्क्रीन भी वही काम करता है। और जो बैक फैन उसमें इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ा लाइट जल रहा है जो कि एक बॉक्स में बंद है और उसका आप लोगों को पता होगा बल्ब जितना भी बल्ब रहता है वो हीट देता है, कुछ ना कुछ कम बेसी हीट देता है। वो हीट को बाहर निकालने के लिए फैन दिया जाता है और एक सर्किट रहता है क्योंकि अलग हर चीज को अलग अलग वोल्टेज दिया जाता है। जैसे एलसीडी को 5 वोल्ट दिया जाता है, उसके बाद आपका जो जो आपका एलईडी उसमें लगा हुआ है जो बल्ब है उसको अलग वोल्ट दिया जाता है, हर मशीन को अलग अलग वोल्टेज दिया जाता है। इसलिए उसमें एक मशीन लगा हुआ है, एक उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, बहुत सारा सर्किट लगा हुआ, वो भी खोल के दिखाया जाएगा क्या क्या है उसमें। नेक्स्ट आते हैं प्लॉटर, आउटपुट डिवाइस में ही है। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर आप लोग देखे नहीं होंगे या बहुत स्टूडेंट देखे भी होंगे प्लॉटर। प्लॉटर इतना बड़ा से लेके आपका 3 फीट से लेके 10 फीट, 20 फीट, 50-50 फीट का भी ये प्लॉटर आता है। प्लॉटर से हम लोग प्रिंट करते हैं बैनर या फिर आपका कैलेंडर हुआ, बड़ा बड़ा पिक्चर्स हुआ, ये सब प्लॉटर से प्रिंट किया जाता है क्योंकि वो रोल पर रोल में रहता है वो, और उससे अलग अलग तरह का कपड़ा भी रहता है उसमें भी प्रिंट कर सकते हैं, या फिर पेपर रहता है, अलग तरह का पोलोथीन रहता है उसमें भी प्रिंट किया जाता है ये प्लॉटर। ये भी CMYK पर क्या काम करता है, क्यान मेजेंटा येलो ब्लैक। नेक्स्ट आते हैं मॉडेम। मॉडेम आप लोग देखेंगे इतना छोटा सा रहता है और वो इंटरनेट चलाने में काम करता है, इंटरनेट चलाने का काम करता है। उसमें एक सिम लगाया जाता है, गूगल क्रोम या फिर अलग अलग तरह का ब्रांड का मॉडेम मिलता है। अब आते हैं हेडसेट। हेडसेट क्या होता है? हेडसेट होता है जो हम लोग कान में लगा के सुनते हैं ना बड़ा वाला, उसको हेडसेट बोलते हैं, ठीक है, या हेडफोन भी बोलते हैं, और ईयरफोन बोलते हैं वो जो छोटा वाला जो रहता है जो कान के अंदर लगता है वो, उसको ईयरफोन बोलते हैं। ये जनरली आपको आउटपुट डिवाइस में है और माइक्रोफोन भी इसमें रहता है, अधिकतर माइक्रोफोन रहता है, किसी किसी में नहीं भी रहता है। नेक्स्ट आते हैं फैक्स मशीन। फैक्स मशीन क्या काम करता है? फैक्स मशीन एक आउटपुट डिवाइस है और ये किसी डॉक्यूमेंट को यहाँ से वहाँ एट प्रेजेंट भेजने में काम करता है, भेजने का काम करता है। जैसे सपोज कि मेरा कोई डॉक्यूमेंट है वो दिल्ली भेजना है, अभी इमरजेंसी है, और जो ओरिजिनल कॉपी है उसी के जैसा आपको भेजना है तो फैक्स मशीन में डाल दिया जाता है, वो यहाँ से स्कैन करता है और वहाँ पर वो प्रिंट करता है। फैक्स मशीन का एक फ़ोन नंबर के जैसा एक नंबर रहता है, उससे आपको यहाँ पर आप प्रेस कर दीजिएगा और उसमें ऑप्शन दिया हुआ रहता है कि ब्लैक एंड व्हाइट करना या कलर, वहां पर जाके वो प्रिंट निकल जाएगा फैक्स मशीन में। ये फैक्स मशीन ऐसे ही काम करता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ए सिंपल कंप्यूटर, इसके बारे में हम नेक्स्ट दिन जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।